आम इंतखाबात से सिर्फ दो रोज कबल कराची में रिवायती धांधली की कोशिश के लिए नामालूम अफराद सरगर्म हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग का सामान 10 मई से सिक्योरिटी इदारों की निगरानी में पोलिंग स्टेशन मुंतकिल किया जाना था, लेकिन अब जो मनाजिर आप CNBC की स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 10 मई के नहीं बल्कि 8 मई के हैं। और पोलिंग का सामान ले जाने वाले ये मोटरसाइकिल सवार अफराद ना तो इलेक्शन कमीशन के अमले के हैं और ना ही सिक्योरिटी अहलकार। CNBC के एक्सक्लूसिव फुटेज में बआसानी देखा जा सकता है कि नामालूम अफराद मोटरसाइकिल KAA 2077 पर सवार हैं और उनके हाथों में पोलिंग के सामान से भरे नीले रंग के थैले हैं, जिनमें इलेक्शन कमीशन की मोहरें और नक्शों समेत दीगर अहम सामान मौजूद है। पोलिंग का ये सामान 8 मई बुध की दोपहर कौमी असम्बली के हल्का 244 के लिए नॉर्थ नाजमाबाद के स्कूल में पहुंचाया गया, जो 10 मई को सख्त सिक्योरिटी में पोलिंग स्टेशन मुंतकिल किया जाना था। ये तकसीम होगी 10 की शाम से, पुलिस के साथ ही जाएंगे, पुलिस की गाड़ियों में ये सब जब बैग्स इनको दिए जाएंगे प्रिजाइडिंग अफसरान को, फिर वो उन सबको बसों में लेके जाया जाएगा, पुलिस वाले उनके साथ होंगे, वो सब उनको पुलिस स्टेशन पर छोड़ेंगे मटेरियल के साथ और बैग के साथ और बेल्ट बॉक्स के साथ। लेकिन फुटेज में देखा जा सकता है कि बाज मोटरसाइकिल सवार पोलिंग का सामान बगैर किसी सिक्योरिटी के इलेक्शन कमीशन के अहकामात और कोऑर्डिनेटर के बयान के बरक्स इंतहाई उजलत में ले जा रहे हैं।